हेलो एंड बिग वेलकम टू द वेलनेस शो जी हाँ आई शो दैट एम्स टू प्रोवाइड यू सपोर्ट इन्फॉर्मेशन एनक्रेजमेंट एंड एडवाइस ऑन योर हेल्थ एंड वेल बींग इशूज थ्रू आर हेल्थ एक्सपर्ट्स हु जॉइन अस एवरी संडे मॉर्निंग बिटवीन हाफ नाइन टू एलेवन एम और हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे साथ ज्वाइन रखेंगे ज्वाइन रहेंगे फॉर द होल वन एंड हाफ आवर्स और बात हम जैसे आपको बताया कि हर वीक हम जो बात करते हैं वो हेल्थ की होती है लेकिन इसी हफ्ते हम जो बात करते हैं वो ज़रा सीरियस हेल्थ के प्रॉब्लम्स होते हैं और कभी कभी जो होते हैं वो हम बात करते हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं होती हैं इश्यूज लेकिन आपको बहुत तंग करती हैं तो आज भी ऐसा ही एक इशू है जो कि बहुत ही लोगों को तंग करता है मेरा ख्याल उन लोगों को तो इतना तंग नहीं करता जिनको ये प्रॉब्लम होती है लेकिन जो उनके पार्टनर्स होते हैं वो उनको बहुत तंग करते हैं और वो यही है कि अगर आपकी जो है रात भर अगर आपके जो पार्टनर है वो आपको कोनिया मारते हैं इसका मतलब है कि आपको ज़रूर कोई प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है स्नोरिंग की तो आइए आज हम बात करते हैं स्नोरिंग की अगर आप भी स्नोरिंग करते हैं और आपको भी चाहिए कोई प्रॉब्लम के इस प्रॉब्लम से निजात मिले या आपके पार्टनर अगर करते हैं स्नोरिंग तो आपको भी चाहिए होगा कि ये प्रोग्राम जरूर देखें और हमारी तारा चन्ना जो है वो आपको बहुत सी एडवाइस देंगी और बताएंगी कि क्यों होती है स्नोरिंग किन लोगों में ज्यादा होती है तो आइए उनको वेलकम करते हैं हेलो एंड वेलकम टू द शो डॉक्टर तारा चन्ना थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एस गुड मॉर्निंग जी थैंक यू इशू आई मीन ऑफ पीपल दे इसी लाइक टू गो टू द doctors about this issue I mean uh, but it is really quite uh, quite a distressing issue especially for the person who is actually uh, staying with that uh, person who, who is snoring <laughs> कि जो सो रहा है नैन दे आर इन अ डीप स्लीप दैट्स वैन दे स्नोर सो उनको तो पता नहीं चलता है लेकिन जो उसके साथ सो रहा है लेकिन जो भी रूम में सो रहा है उनके लिए ये सारी रात जगने की सजा हो जाती है <laughs> उनके लिए रात जगा हो जाता है एंड इट्स नॉट लाइक वन डे इट्स एवरी नाइट इफ योर पार्टनर इज एक्चुअली स्नोरिंग दैट इज ह्यूज प्रॉब्लम फॉर यू रादर देन फॉर देम exactly exactly it? uh, because it's a, it becomes a chronic problem and then it becomes like a habitual because you don't go and seek any medical advice you think it's just a, you know normal to snore in sleep and you don't seek medical advice but it is actually a medical concern and everybody should go and see the doctor for mm -hmm. this कंप्लेन ऑफ स्नोरिंग बिल्कुल जैसे मैंने कहा अपने व्यूअर्स को कि अगर आपको आपको स्नोरिंग अगर आप नहीं भी करते हैं तो भी आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बल्कि आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है जो पार्टनर्स हैं तो आप अगर हमें फ़ोन कीजिए और हमें बताइए कि आप क्या आ, कैसी प्रॉब्लम है आपकी मीडियम लेवल की है या ये हाई लेवल की है कहते हैं कि अगर आपकी वाइफ जो है इट मूव्स आउट ऑफ द बेडरूम दैट इट मीन्स दैट इज़ ए लो लेवल प्रॉब्लम लेकिन इफ द नेबर्स मूव आउट फ्रॉम द एरिया इट मीन्स दैट इज अ वेरी वेरी हाई लेवल प्रॉब्लम तो <coughs> कोई लोग तो ज़रा चलो कम करते हैं तो उनसे तो आप बर्दाश्त कर सकते हैं कि आप कहते हैं कि चले जी टर्न कर लें अपनी साइड को और थोड़ा बहुत हो जाता है लेकिन कई लोग तो बहुत ही ऊंची करते हैं जो दूसरे कमरे तक जाती है यहाँ हमको ये जानना बहुत ज़रूरी कि ये क्यों होता है जो मेन जो फैक्टर्स है वायस्मिन वो दो है एक तो एनाटोमिकल जिसको हम बोलते हैं कि यहाँ आपको कोई भी मसला होएगा स्टार्टिंग फ्रॉम नोज बैक ऑफ द नोज आपके अपर पैलेट पे मूवमेंट so जबान के पीछे हाँ। थ्रोट में और अपर जहां भी आपको एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगा वहां ये प्रॉब्लम ये देखिए इमेज है है आ रहा है, जो हाँ, तो जबान पर... जो पीछे गिर जाती है आपने देखा अगर नाक में सूजन आ गई है और मसल्स गले में थिक हो गए नैरो हो गए तो आपने देखा वो नैरो पैसेज हो गए तो एयरवे में ऑब्सट्रक्शन होता है वो जो जो ब्लू सा पैसेज है और वहां वाइब्रेशन होती है एंड देट इज वेन वी कॉल इज वाइब्रेशनल साउंड दैट इज कॉल्ड स्नोरिंग और दूसरा जो रीजन है दैट इज ऑल्सो हॉमोनल एंड वी नो दैट मैन पर्टिकुलरली टेस्टोस्टेर इज वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हियर एंड दैस इज वाई यू फाइंड मैन हैव मोर डिपोसिटी अराउंड द नेक एरिया एंड द फेस सो आफ्टर फोर्टी फाइव फिफ्टी सिक्सटी मैन विल अक्यूमिलेट मोर फैट अराउंड

लेडीज को जो है मेरा ख्याल है वो मैनोपोज के बाद या फिफ्टीज में जब आ जाती हैं तो आई थिंक उनको जब ज्यादा हो जाता है लेकिन स्टिल इज नॉट एज बैड एजन मेडिकल अपर उनको एलर्जीज है पॉलिप है एडीनोइड्स है बारी बारी सो थ्रोट या टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम है अगेन ओबेसिटी लेकिन ज्यादा पाई गई है प्रॉब्लम problem, चले इसको हम और भी डिटेल में बात करेंगे और मैं यही कहूंगी कि अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन uh, है इस बारे में कोई कॉमेंट है या कोई ऐसी रेमेडी भी अगर आपने कभी ट्राई की हो ट्राई और टेस्ट की हो तो आप हमें बताइए लेकिन आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक